बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली गाइस वी आर बैक एंड आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम टेलीग्राम के बारे में कुछ जानेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम एक नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं टेलीग्राम में, उसको किस तरह से हम ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक थिंग्स है, बेसिक एक चीज़ है जो कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी, बट जिन लोगों के नहीं पता है मैं उनको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो जो ये एक चीज़ है जो कि आपको लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी। नाउ लेट्स सी द difference between bold text and normal text. So here you can see this is the bold text basically, and this is the normal text that you can see below. Okay, this one is the normal text. सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कहीं पे अगर किसी चैनल में पोस्ट वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सिलसिला कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपको अगर ये वाला आप इसको यूज़ करेंगे, बोल्ड टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो आपका जो पोस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा, ठीक है। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा फीका फीका लगेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगेगा। सो यही इसका ज़्यादातर यूज़ है। नाउ लेट्स क्लियर दिस एंड लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर ले, जैसे लिख लेते हैं हेलो दिस इज फखर अब्बास, फॉर एग्जांपल लेट्स चूज दिस टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम जो है ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, इसको हम जो है सेंड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं और हम इसको सेलेक्ट जो है वो सेंड कर देते हैं। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल जो टेक्स्ट हम जिस तरह से कर रहे हैं टेलीग्राम पे वैसे ही चल रहा है, बट अगर हम इसको बोल्ड करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो भी लिखा है उसके एंडिंग पॉइंट पे टू स्टार लगा देने हैं एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर आपको जो है टू स्टार लगा देने हैं। नाउ लेट्स सेंड इट। नाउ लेट्स चेक द डिफरेंस बिटवीन देम एंड दिस इज़ द नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस वन इज़ द बोल्ड टेक्स्ट एंड इट्स लुकिंग बेटर देन इट। सो now there is another method to do this if you are not satisfied with this. So आपको यहाँ पर फिर से कुछ हम लिख लेते हैं जो कि हमने कॉपी किया है उसको लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन जो है हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये 3 आइकन का बटन ऊपर। सो मेक श्योर पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करना है, देन आपको उसको प्रेस करना है यहाँ पर जो आपका टॉप 3 आइकन दिख रहा है टॉप राइट साइड पे। यहाँ पर आपको प्रेस करने के बाद आई एम सो सॉरी दोबारा से करते हैं सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके सामने जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा बोल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल्ड को सेलेक्ट कर देना है और जैसे ही आप बोल्ड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सेंड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कौन सा आपको नज़र आ रहा है। तो ये दो मेथड हैं, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे, नो प्रॉब्लम। सो ये एक छोटी सी टेलीग्राम की एक ट्रिक कह लें या फिर ऐसे ही चीज़ें और भी काफ़ी ज़्यादा हैं टेलीग्राम में जो कि इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। तो यही थी ऐसी छोटी सी वीडियो। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एंड आल्सो चेक आउट माई क्रैकिंग कोर्स, आई विल पुट माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।